हेलो जी एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप आए हैं जरशील की किचन में, और जरशील की किचन में बनने जा रही है साबुत मसूर और चावल। जीरा राइस बनाएंगे, और बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। देख लेते हैं कैसे बनाया। तो मैंने यहाँ पर आधा घंटा पहले मसूर जो है साबुत मसूर भिगो के रख दी थी। 1 कप है ये, और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने चने की दाल डाली। आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना तो इसको अवॉइड भी कर सकती हैं, लेकिन अच्छी लगती है चने की दाल इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, कप है मेरे 250 ml का, और इसी कप से नाप कर हम 3 कप पानी डाल देंगे। तो देखें, 3 कप पानी डाल दिए। एक छोटी प्याज काट कर डाली है, 2 छोटे टमाटर हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, और 1 छोटा चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच है नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच है चाट मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 बड़े चम्मच डाले हैं यहाँ पर ऑयल। ऑयल डालने से ये होगा कि इसमें जब सीटी आएगी तो पानी नहीं निकलेगा। तो अच्छे से चला दिया है, अब इसको कवर कर देंगे। कवर करके हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। जैसे ही सीटी आएगी गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर पकाएंगे हम उसको 11 से 12 मिनट। तो देखें, जब कुकर खुद ठंडा हो गया उसी के बाद मैं खोल रही हूँ। 12 मिनट मैंने इसको पकाया, और दाल अच्छे से गल चुकी है। और अब इसको अच्छे से मैश कर लें चम्मच की मदद से, और ज़रा घुटी मिली ही दाल अच्छी लगती है। थोड़ा पानी अलग हो, दाल अच्छा अलग हो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूँगी। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो ये गाढ़ी रखें। अब इसको मैं 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया, और अच्छे से हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी हरा धनिया, और इसको चला देंगे, और बहुत हमारी दाल अब तैयार है। अब यहाँ मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं दाल की, बहुत ही बढ़िया आई है। अब यहाँ पर हम इसे तड़का लगा लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल, इसे गरम कर लेंगे। और 1 छोटी प्याज डाली है मैंने, इसको हमें हाई फ्लेम पर हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करना है। तो हल्की सी गुलाबी हो गई है प्याज, 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ जीरा, और 7-8 करी पत्ते हैं ये, और हींग है 1 पिंच, और 1/4 टीस्पून मैंने डाला है सरसों दाने, और 3 डाली हैं ये सुर्ख लाल मिर्चें, और इनको अच्छे से पका लेंगे। और अभी मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो 1/2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसको मिला देंगे अच्छे से, और अब इसको हम तड़के को दाल में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी दाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दाल तो हमारी तैयार है। ये दाल बिल्कुल ऐसी बनती है कि जैसे ढाबे पर हम खाते हैं, तो बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैं इसे चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको रोटी पराठे के साथ भी सर्व कर सकती हैं। और अगर चावल की रेसिपी आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर गाइस वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने का बहुत बहुत